कश्मीर के मुजरिम है, आलम में खामोशी है। कोटली में दख्तरा ने जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कोटली की खवातीन ने इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। कोटली में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जेरे एहतमाम दख्तराने जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस मनक़द करवाई गई, जिसकी मेज़बानी आज़ादी पसंद ख़वातीन विंग की रहनुमा मैडम तायरा तोकीर ने की, जिसमें सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन ने मुख्तलिफ़ इलाकाजात से शिरकत की। कोटली की आवाज़ से बातचीत करते हुए मैडम तायरा तोकीर का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद वादी में औरतों पर होने वाले जुल्म, जबर और बुनियाद मुकदमात और गरु में जाली सर्च ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाना था। इस कॉन्फ्रेंस में नजरिया मल्क यासीन और पैगाम यासीन पर बातचीत की गई। इस कॉन्फ्रेंस में गिलगित पाकिस्तान और ततापानी, नक्याल, खुरेटा, सेरी, चुड़ोई, सेंसा, हजीरा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुख्तलिफ खवातीन का कहना था कि यासीन मलिक को फिल फोर रिहा किया जाए और कश्मीरियों पर जुल्म और जबर बंद किया जाए। इंशाल्लाह ख्वातीन अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीरी अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबल का फैसला करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ख्वातीन का मजीद कहना था कि रियासत के अंदर और गिलगित के अंदर मेगा प्रोजेक्ट को मकामी हुकूमतों के जरिए माना जाए कि ये हमारी मलकियत और हमारा असासा है। कॉन्फ्रेंस के अहतमाम पर जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जानब से ज़ियाफ़त का अहतमाम भी किया गया। जो करते हो तुम ही जाले।